FSK यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। अब ये भी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन का तरीका है। यहां पर जो कैरियर वेव है, ये आपकी कैरियर वेव्स हैं, इसमें ये जो कैरियर वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखाएगी, एक फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखाएगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी 1 दिखाएगी, एक फ्रीक्वेंसी 0 दिखाएगी। ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड और फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा। जो फ्रीक्वेंसी है हर एक ड्यूरेशन में, अब इसको देखिए ये 1 और 0 कैसे बताती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मान लीजिए यहां से यहां तक आपके पास वेव है, तो या तो मैं वेव को ऐसे भेज सकता हूं या इसी दायरे में मैं ऐसे भी भेज सकता हूं। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई। हम इसको कह सकते हैं भाई भाई इसको मान लो 0 या इसको मान लीजिए 1, ये तरीका हो सकता है। यहां पर आप देखिएगा कि एम्पलीट्यूड और फेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे यहां पर आया, आप देखें यहां पर इसी दायरे में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमने कहा 1, जब रिसीवर इस ज्यादा फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा वो कहेगा 1 है। इसी तरीके से जब 0 हम कह रहे हैं तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कम हो गया तो 0 हो गया। इसी तरीके से आपने सिग्नल भेज दिया। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यहां पर दो या दो से अधिक आप अलग अलग टोन्स का भी यूज करते हैं। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर आपको एक बिट स्ट्रीम भेजनी है 10011 या 11101। इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कम है। जब आप इसका FSK करेंगे तो आप देखेंगे जब 1 जाना होगा तब आप क्या करेंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट यहां पर आएगा। जब 0 होगा तो जो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है वो आएगा यहां पे 0 की जगह पे, और इस तरीके से आराम से रिसीवर इसे रिसीव कर सकता है।